नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत आज के नए व्लॉग पे। और अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 7 और आज हैप्पी होली है, तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लगा लगा ये ले, बस बस ठीक है, ये लो बस। हैप्पी होली, हैप्पी हैप्पी होली, होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी हैप्पी होली, होली। हैप्पी होली। तो दोस्तों आज होली है, तो बच्चों के साथ अभी एक्चुअली मुझे अभी यहाँ से होना आगरा रवाना, तो बच्चों के साथ थोड़ी होली खेल ली और अब नहा धो के यहाँ से रवाना होते हैं सीधा आगरा लिए गेस्ट को लेके, क्यों मैं तो टूर पे हूँ तो घर पे आ गया था। हाँ, होली हैप्पी होली, हैप्पी होली। आई विश यू हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली। हार्दिक शुभकामना रहे आपको हैप्पी होली की। दोस्तों हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम, करते हैं ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में भी पराठे, दाल, दही और मिर्ची। और दोस्तों पीयू भी मेरे साथ में ब्रेकफास्ट कर रही है, करते हैं आज का ब्रेकफास्ट। क्या क्या बोल रहा है बता, मैं खेलने जाऊंगा, कहाँ पे खेलने जाएगा? ये अपने फ्लोर पर, हैं? फ्लोर पर नहीं, फ्लोर पे नहीं, अभी रुको, प्लीज। अभी खाना खा ले। हाँ। तो दोस्तों जो सभी रवाना हो रहे हैं यहाँ से, और ये दिल्ली टेम्पू आ गया है, तो चलते हैं यहाँ से सीधा होटल के लिए। तो दोस्तों जो सभी में जो मेरी गेस्ट की होटल है वहाँ पहुँच चुका हूँ और अब कर रहे हैं गेस्ट का वेट। लगभग 9 बजे का टाइम मैंने दे रखा था। तो दोस्तों जैसे अभी यहाँ से रवाना हो चुके हैं हम और अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा आगरा के लिए। तो दोस्तों जैसे अभी मैं पहुँच चुका हूँ आबानेरी, और आबानेरी में आ चुका हूँ चांद बावड़ी। अब मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये यह यहाँ की चांद बावड़ी। तो ये दिल्ली दोस्तों, ये है आबानेरी की चांद बावड़ी जो 8वीं से 9वीं शताब्दी की है। और ये पूरी की पूरी आप देख लीजिए, ये है लगभग 19.5 मीटर इसकी हाइट है, जो गहराई है इस बावड़ी की। और ये देख लीजिए जितनी भी आप सीढ़ियाँ वगैरह देख रहे हो, ये टोटल 1300 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे नीचे उतरने के लिए। और ये 8वीं से 9वीं शताब्दी की पूरी पूरी बावड़ी। और ये वाला पार्ट देख रहे हो जिसमें इन्होंने पास में एक मंदिर था, जितने भी यहाँ से स्टेचू वगैरह इनको मिले थे उसको यहाँ पर इन्होंने म्यूजियम में इसको कन्वर्ट किया गया है। दोस्तों जैसे भी हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में लंच के लिए। तो दोस्तों जैसे भी लंच करके हम रवाना हो चुके हैं यहाँ से सीधा, और हम जा रहे हैं सीधा फतेहपुर सीकरी के लिए। तो दोस्तों जैसे मैं बैठ चुका हूँ बस के अंदर फतेहपुर सीकरी फोर्ट जाने के लिए, और ये वाला हमने बस ली है, तो चल रहे हैं यहाँ से सीधा फतेहपुर सीकरी फोर्ट। तो दोस्तों जैसे भी मैं पहुंच चुका हूँ जो फतेहपुर सीकरी का रेड फोर्ट है वो वाला देखने के लिए, और मेरे बैक साइड में देख रहे हो चारों ओर गार्डन। और जैसे भी मैं पहुंच चुका हूँ जो यहाँ का दीवाने है मैं वहाँ पे, तो ये देख लीजिए फतेहपुर सीकरी का मेन गेट है, और ये जो आपके सामने ही है दीवाने आम, और देख लीजिए बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है यहाँ पे। तो ये देख लीजिए है दीवाने खास जो फतेहपुर सीकरी फोर्ट का है वो वाला, और यहाँ पे ही जो अकबर था उसने दीने पलाही जो धर्म था उसकी स्थापना की थी। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये है अकबर का खजाना, तो उस वक्त जो ट्रेजरी हाउस हुआ करता था अकबर का, ये वाला है। तो चलते हैं इसे अंदर से विजिट करने के लिए। तो दोस्तों ये दिल्ली है दीवानी खास अकबर के महल का, और अभी जो अकबर का महल है उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। और ये वाला पार्ट जो फतेहपुर सीकरी का किला है जो अकबर ने बनाया था 16वीं शताब्दी में, और ये उस टाइम की या बिल्कुल सामने जो जगह देख रही है उसमें लाइब्रेरी हुआ करती थी। और ये देख लीजिए पंचमहल जो 5 मंजिला बना हुआ है, और ये उस टाइम का जो सामने आप देख रहे हो ये इस टाइम का हुआ था ट्रेजर हाउस। और सामने जो छतरी देख रहे हो यहाँ पर अकबर के जमाने जो एस्ट्रोलॉजर है उसके लिए ये जगह हुआ करती थी। You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright.
So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way, no one's gonna leave you brokenhearted. You don't need nobody else, everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you what the wise, give them warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Away, yeah, yeah. Just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile. Cause I see the way you're winning, yeah. You got something that inspires everyone who's lost their vision. तो ये देख लीजिए, ये उस वक्त का होता है पंचमहल, जो 148 पिलर में बना हुआ है, जो 5 मंजिला है टोटल। और ये उस वक्त की हुआ करती थी लाइब्रेरी और मदरसा। और ये बिल्कुल आप सामने यहाँ जो कोने में आप देख रहे हो, जो अकबर की जो टर्की शाइफ थी सुल्ताना, उसके लिए ये हाउस बना हुआ था। और ये बिल्कुल बीचों बीच में जिसे कहते हैं अनूप तालाब, और यहाँ कहते हैं बहुत बड़े फेमस सिंगर तानसेन और बाजू बेवरा का यहाँ पर कॉम्पिटिशन हुआ था। और जब कंपटीशन हुआ था तो अलोम जो अकबर था, सम्राट अकबर, उसने वो यहाँ से देखता था। कोई भी उस वक्त जो भी जितने फंक्शन होते थे वो यहीं से देखा करते थे। तो बिल्कुल आप कोने में देख रहे हो उधर, वो था उस टाइम का डाइनिंग रूम। और अभी आप बिल्कुल देख रहे हैं जो अकबर का फतेहपुर सीकरी का जो किला है वो वाला। तो देख लीजिए, अकबर का जो फतेहपुर सीकरी का किला है, उस वक्त यहाँ पर मीना बाजार लगता था। और इसी के पास में यहाँ पे उस वक्त का जो स्विमिंग पूल है वो हुआ करता था। और देख लीजिए कितना बड़ा जो अकबर का किला है। और ये जो अकबर का जो आप महल दे रहे हो, जो अकबर की दूसरी बेगम थी जिसका मरियम नाम था, जो पुर्तगीज़ थी, उसके लिए महल बना हुआ था। और सामने जो आप देख रहे हो वो था यहाँ का उस समय का वेज किचन। तो ये दोस्तों देखो, ये जो अकबर की जो वाइफ थी, हिंदू वाइफ, उसके लिए जो ये वाला जो बिल्डिंग है ये बनाई गई थी। अब चलते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, जिस सभी में अकबर की जो हिंदू वाइफ थी, उसके जो जो अकबर की हिंदू वाइफ थी, जो उनका महल था, उस समय मैं अभी आ चुका हूँ। और उस वक्त ये आप देख लीजिए कितना बड़ा महल उनके लिए बनाया था। ये उस उनकी गर्मियों के लिए ये वाला हाउस हुआ करता था। और चारों जितने भी क्वार्टर्स आप देख रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स, ऊपर वाले जो गार्ड हाउस हुआ करते थे उनके लिए। और इधर से ये जो एंट्री के लिए ये वाला गेट था। और ये जब भी ये जगह पूरी जगह देख रहे हो चारों ओर, यहाँ पे सभी गार्ड्स वगैरह और जो सर्वेंट हुए रहते थे। और ये उनके लिए जो विंटर हाउस हुआ करता था ये। और उस वक्त यहाँ बीच में हुआ करती थी हमारे तुलसी जी की पूजा। तो दोस्तों, जैसे भी जो फतेहपुर सीकरी का जो किला है, जैसे भी देख के बाहर निकले हैं और अब चलते हैं जी बस कर लिए ये लेके, अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा जो हमारी बस स्टैंड उसके लिए। तो दोस्तों, जैसे भी हमारी एंट्री हो चुकी है आगरा शहर के अंदर, आगरा से इन ग्रोंड मार्च से क्वीर से ग्रोंड मार्च से सोशियो से। तो दोस्तों, जैसे भी मैं जो मेरी होटल है जहाँ पे हम आगरा में आज रुके हैं, वहाँ पे जैसे भी पहुँच चुका हूँ। और अभी लगभग बज रहे हैं 7 और आज काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पहुँचते लगभग बज रहे हैं, तो ये देख लो 7 बज गए। तो ये देखिए दोस्तों, जिस रूम में आज मैं रुका हूँ, ये मेरे आज का रूम है। एक्चुअली क्या, इधर मैंने मेरे कपड़े वगैरह, सॉरी, इधर मैंने अटैचेस वगैरह खोली है। और ये आज ये इधर